25,000 के कपड़े ले लिए, बाद में भाई पे कर रहे हो, बाद में वो इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं आधे लोग। उनका तो लंका लग गई दोनों की, वो कनाडा वाले की तो ज्यादा लगी हुई है, उसका तो मैं कहूँगा हाल बुरा है। क्योंकि भाई खुश होकर देखो सेविंग्स नहीं, ₹5 नहीं सेविंग नहीं हुई, $1,800 कौन पड़ता है भाई इतनी EMI? क्यों भाई 1,00,000 रुपये मंथली इनकम है ना, उसमें भी भाई खर्चे निकाल के पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेंट भी देना पड़ेगा, रहना भी होगा, कभी वीकेंड पे खा पी लो। आज से 2.5 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट, आई वुड से कोविड के बाद, जैसे मैं इंडिया में जब आया ना तो मेरा दोस्त भी था इंडिया में, तो वो दिल्ली में रहता था, तो उसके में भी जॉब लगी थी 70-80 के पर मंथ वो कमा रहा था। सडनली उसका मन किया कि भाई मेरे को ना गाड़ी लेनी है क्रेटा, मेरे को तो तब गाड़ियों की नॉलेज ही नहीं थी, तो उसने एक कार ली क्रेटा, जो कि आपको पता है ह्यूंडई की है, मे बी हिसाब से मिड वेरियंट था, 16-17 लाख का ऑन रोड प्राइस वाला, उसकी 18 लाख की पड़ी होगी। मैंने इसको कहा भी कि भाई मतलब एक्सपेंसिव है कार, और तुम्हारी सैलरी 80,000 है, और तुम्हारे पास सेविंग तो कुछ थी नहीं है ना, और तुमने गाड़ी ली तो कह रहा ठीक है भाई बढ़िया है कर रहे हैं सब कुछ था। तो लास्ट कुछ मंथ पहले क्या हुआ कि सडनली उसकी जॉब भाई चले गई, कुछ रीज़न होगा, मे बी शायद कंपनी को कुछ एम्प्लॉय सही हो गया, या भगवान जाने, या वो बंदा काम ना सही कर रहा होगा, कोई ना कोई दिक्कत हो गई है ना। हुआ क्या, उसका लोन था गाड़ी का मेरे हिसाब से 5-7 साल का, ठीक है। तो अभी उसको पंगा क्या है कि उसकी भाई आप खुश होगी देखो 80,000 का, मगर उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही थी, EMI जा रही थी ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार जा रही पर मंथ की, और 17-18 हज़ार भाई मैंने उसको कहा कि भाई इतनी महंगी कार लेने की लोड क्या है ना, तुम्हारी 70-80 हज़ार की सैलरी है और तुम्हारी 20,000 की किस्त चलेगी, ऊपर से खर्चा खुर्चा निकाल के 30-35 हज़ार तो तुम्हारा कार में निकल गया। नहीं नहीं भाई शौक पूरे करने हैं ना, हमारा मन है कि शौक पूरे करने हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना हमको, मन मेरा भी करता है कि भाई जी वैगन ले ले, महंगी से महंगी कार ले ले, बट होता क्या ना हमारे माइंड में कि वी जस्ट वॉन्ट कि यार भाई हमें मिली तो चीज़ है नहीं वो चीज़ बचपन में, तो हमें होता है कि भाई अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करो, वो चीज़ एक बार मिल गई तो लाइफ अच्छी हो जाएगी और अच्छा गया। और होता क्या है ये माइंड की एक सारी साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज़ ले लो 10 दिन के बाद तुम्हारी वो नेचुरल औकात वहीं पे आ जाती है माइंड की। तो अभी क्या हुआ, अभी किस्तें नहीं भर रही, भर हो रही तो अभी क्या करेगा भाई, उसको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। चलो ठीक है बेच भी सकता है, पर मन कर नहीं रहा बेचने का, क्यों, और बेचेगा तो उससे मैक्सिमम उसका गाड़ी का कोई लोन नहीं उतर, बस इतना है कि बैंक का जो पैसा बचा ना 3 साल का उससे थोड़ा बहुत 1-2 लाख या प्रॉफिट हो जाएगा, निकाल के जेब में खाली हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो भाई मैंने एक चीज़ देखी कि देखो यार सबसे पहली बात है कि अगर तुम्हारी सैलरी 80,000 है ना, तो मैं उसका रेफरेंस पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम थोड़ा सा 5-7 हज़ार रुपये की EMI हो तो समझ में भी आता है। तुम्हारी EMI है 20-25%, वो भी तुम्हारी कार की, जिसमें तुम्हारी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं इंक्लूड है, तेल का खर्चा नहीं इंक्लूड है, उसमें कोई सर्विसेज होती है वो नहीं कोई इंक्लूड है। तो भाई किसी को दिखाने के लिए क्यों महंगी कार ले रहे हो ना इतनी, या तुम्हें खुद को मन तो हमें भी करता है कि महंगी से महंगी कार ले, बट गाड़ी का भाई यूजेज तो यही है ना, इधर से उधर जाना, तो अगर आपको महंगी कार लेनी तब भी लो जब आप फाइनेंशियली पूरे फ्री हो जाओ। अभी देखो अभी उसका मन करेगा, मन तो हर किसी का दुख तो लगता है ना कि भाई इतने साल हो गए मैंने कार रखी थी अभी मेरे को बेचनी पड़ी, तो अभी उसके पास सेविंग्स नहीं बची, क्यों, कोई खुश होकर देखो अगर एक बंदा मंथ का 25,000 कार पे के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, और कार में पूरा दिन तो वो चलाता नहीं होगा, जॉब में जाता है सुबह जाके शाम में आना है, हमारे जैसे काम तो है नहीं, ई कॉमर्स का 2 घंटे किया इधर उधर चले गए कहीं ना कहीं पे, तो मान के चलो भाई उसकी 25,000 का उसका रोज मंथ का खर्चा है एवरेज मान के चलते हैं 25-27 हज़ार का, तो 25-27 हज़ार अगर वो मंथ का जोड़े तो भाई 3-4 साल में 5-7 लाख तो जुड़ता ना एक्स्ट्रा, वो भी सेविंग्स नहीं हुई। तो मेरा ये मानना कि भाई देखो जब तक तुम्हारी सैलरी कम है तो भाई अपनी कार को सेकेंड हैंड ले लो 2-4 लाख रुपए वाली, विद द टाइम जब तुम्हारे अकाउंट में अच्छी सेविंग्स हो तभी अपना पैसा खराब करो। क्योंकि देखो दादा क्या होता है, सेम दोस्त मेरा कनाडा में था उसके साथ तो यही बात हुई, उसकी मंथली सैलरी थी $3,000 की समथिंग कुछ, ठीक है। इससे भाई मैं नहीं कह रहा कि महंगी कार मत लो, बट मेरे को ये बात इसलिए आपको बतानी थी क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट नो कि भाई देखो कि ये क्या मतलब हुआ कि अपनी पूरी सेविंग ही कार में लगा दी। उसका क्या था, उसके पास उसकी सैलरी थी $4,000, बंदे ने ली डॉज चैलेंजर, ठीक है, चैलेंजर की किस्त आ रही थी $1,500, ठीक है, तेल का खर्चा इंश्योरेंस डाल के $1,800 की मंथ की सारा खर्चा आता था चैलेंजर में, डॉज चैलेंजर जो गाड़ी आपको पता ना फोर्ड की है शायद, मे बी शायद मैं गलत ही होऊंगा, तो $1,800 उसका मंथ का खर्चा आ रहा है। बंदा चलाता क्या है ट्रक में क्या होता है, सुबह जाना है 3 दिन वो पूरा राउंड ट्रिप होता है न्यूयॉर्क वगैरह में जो भी USA में जाना, डिफरेंट स्टेट्स में जाके वापस आके अपने कनाडा में वापस आना ट्रक के गेड़े में, तो 3 दिन तुमने ट्रक चलाया, गाड़ी तो तुम्हारी वैसे भी लोकली चल रही है इतनी ज़्यादा चल नहीं रही है ना, फिर उसके बाद फिर तुम आके ट्रक चला रहे हो और वो 4 दिन में तुम्हारा $1,800 तो ऐसे निकल गया। और तुम खुश होकर देखो अगर वो नॉर्मल कार ले लेता, मान के लो जिसकी कोई जैसे इंडिया में हमारी वरना है या ऐसे कुछ है तो वहाँ पे कुछ सोनाटा होती है तो उसकी मतलब कितनी आ जाती मंथ का खर्चा, $500-$600 आ जाता, बट वो बंदे ने ले $1,800 क्योंकि मन में बचपन से होता है ना मेरा मतलब भाई मर्सिडीज एस क्लास चलानी है, जी वैगन अगर मिल जाए ना स्वाद आ जाए कि मैं उसको अफोर्ड करता हूँ, EMI पे ले सकता हूँ ना भाई, अगर तुम उसको कैश पे ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो भाई ना पैसा खराब करो ना, फिर फायदा क्यों भाई, जस्ट यू वॉन्ट टू मेक कि अपना पैसा क्यों बर्बाद करना,
अभी उसका क्या हुआ, अभी उसकी जॉब चलेगी, अभी कनाडा वाले कह रहे हैं मतलब उसका जो वर्क परमिट खत्म हो रहा है, वर्क परमिट होता है 3 साल का, स्टडी के बाद हमें 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जिसमें हम पीआर को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें कनाडा में रहना है, तो वो कैनेडियन उसका वर्क परमिट खत्म हो रहा है, पीआर उसकी हुई नहीं, अभी उसको लॉयर मांग रहा है $25,000 से $30,000 क्योंकि उसको LMI लगानी है जिसमें वो किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम करेगा जिससे उसका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। सेविंग क्या अकाउंट में है, बाबा जी का ठुल्लू भाई, कुछ बचा ही नहीं साला अकाउंट में, सेविंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई $1,800 तो तुम्हारी कार की किस्त जा रही थी ना, तब तो शौक में ले ली, फीलिंग ले ली, हाँ भाई चलो कार बन जाएगी, 3 साल की EMI उसकी भी पड़ी है कार की, अगर वो बेचेगा उसका भी वो बैंक का लोन ही उतरेगा, उसकी कार नहीं बन जाएगी, या उसको कोई उसने एसेट नहीं खरीदनी, कोई गोल्ड नहीं खरीद के रखा था कि जो हर मतलब $1,800 किस्त जा रही थी। तो भाई मेरा पॉइंट यही है कि आज के ज़माने में स्पेशली अगर आप इंटरनेट पर देख रहे हो ना लोगों के पास महंगी से महंगी कार देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, भाई उनका क्या है, उनका है काम, ठीक है। हमें एज ए क्रिएटर मान के लो, मैं अगर कोई एंटरटेनमेंट वगैरह वाले कुछ व्लॉग बनाता हूँ तो मेरे को पता है कि भाई 4 वीडियो डालूंगा, कुछ अच्छी कार दिखाऊंगा तो लोगों को देखने का अच्छा लगता है, और मैं मान के लो ले भी लेता हूँ उस कार को, तो मेरी EMI तो निकल जाएगी एज ए मेरी YouTube में से, जो बिजनेस एक्सपेंस मान के चलो, मान के लो मैंने 3 लाख YouTube से कमाया तो मेरी 85,000 किस्त चलेगी, तो आई वुड से मैंने 2 लाख तो जेब में डाली लिया, मेरे बस लोगों को दिखाने के लिए वो कार ली थी। बट आप तो भाई अपने यूजेज के लिए ले रहे हो, तो जब आपके अकाउंट में करोड़ों की सेविंग हो ना, फिर जाके आप 40-50 लाख 25 लाख की गाड़ी लो, अकाउंट में है 5 लाख रुपया भी नहीं, गाड़ी ले रहे हैं भाई, हाँ बस इनकम है मंथ के लिए 1 लाख रुपया, तो बंदे ने सोचा कि ठीक है कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 15,000 की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, ले लो। अफोर्ड तो भाई हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं ना बिजनेस की वजह से, बट हम इसका मतलब ये नहीं है ना, हमें ये भी पता है ना कि ये 6 मंथ अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो उसके बाद पता नहीं ना कब लंका लग जाए बिजनेस में, क्या हो जाए 3 मंथ ना चले तो तब क्या करेंगे, तो हमें भी अपना कुछ वो टाइम होता है ना, जैसे दिसंबर हो गया नवंबर में पता है उस टाइम हमारी एड नहीं चलेगी या अच्छी नहीं चलेगी, तो हम उसके लिए बचा के रखते हैं पैसा। तो यही मेरा पॉइंट है इस वीडियो में, भाई अपना पैसा समझदारी के साथ यूज़ करो, किसी को इंटरनेट पे मत देखो, खुद होता है एक टी शर्ट डाली जाए होगी कम से कम 500-700 रुपये की शर्ट है ना, तो मान के चलो मैं यहाँ पे गया कहीं मार्केट में गया, मैंने देखा कि मैं एक ग्रुप में गया वहाँ पे लोगों ने 15,000-20,000 की शर्ट डाली, मेरे को पता है भाई हम भी अफोर्ड कर सकते हैं दे सकते हैं, बट मेरा मन करेगा नहीं नहीं भाई अगर मेरे को 15,000 की शर्ट नहीं ली ना तो मतलब मेरे को एक अंदर से खुशी नहीं मिलेगी, मतलब मेरी खुशी उस चीज़ से अटैचमेंट कर दी, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं छोटी चीज़ों में खुश हुआ, मैं एक सिंपल सी शर्ट डाली है ठीक है, ठीक ठाक देखने को लग जाती है, मतलब देखने को अच्छी लगती है, थोड़ा मोटा घूम फिर लेते हैं हल्का फुल्का, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम क्यों भाई पैसा बर्बाद करें किसी के मगर लग के, वही पैसा जोड़ेंगे सेव करेंगे लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं में इन्वेस्ट कर देंगे। अभी मैं वो क्या है यार है ना, वो ठीक है अच्छी है, फैसिलिटीज़ होती है, कम्फर्ट होता है, हमको भी अच्छा लगता है, बट विद द टाइम जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो भाई तब ले लेंगे, अभी यार इतना पैसा क्यों खराब करना महंगी महंगी कार्स में, क्यों अपना पैसे को अफोर्ड नहीं, अगर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और तुम क्यों EMI पे ले रहे हो। हाँ एक चीज़ है, इफ़ यू हैव इनफ मनी यू थिंक यार मैं उसको कैश में ले सकता हूँ तो भाई लो, अदर भाई भाई अपनी इतनी किस्तें मत मांगो। आजकल भाई आईफोन में देख रहा हूँ भाई, इंडिया में हर बंदे के पास आईफोन है और उसमें मोस्ट ऑफ द बंदों की सभी की EMI चल रही है, EMI भी कौन सा 1-2 मंथ की चलती है, वो 24 मंथ चलती जाती है, खुद सोच के देखो आप 4,000 रुपीज़ पे कर रहे हो जिसमें आप 24 मंथ के लिए EMI पड़ रहे हो ना, एक 90,000-1,00,000 रुपये वाला फ़ोन लोगे तो उसमें 4,000 की EMI आती है एवरेज, तो 4,000 की EMI का तुम खुद कॉस्ट देखो कि तुम 4,000 में साला कितनी चीज़ें आ जाती हैं, हर हफ्ते में अच्छा डिनर करोगे एक्सपीरियंस ले लोगे, कहीं ना कहीं जो 2-3 मंथ के बाद कोई ट्रिप मारे होगे वो अच्छा ऑप्शन है, बट नहीं भाई फ़ोन लेना है महंगा, कैश तो ले नहीं सकते क्योंकि 1,00,000 रुपये निकालना बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो हम EMI पे ले लेते हैं। तो ये मेरा पॉइंट है कि भाई थोड़ा सा अपने पैसे को बचाओ, जहाँ पे आप कम खर्चों में खुश रहना सीख जाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आईफोन आए, महंगी से महंगी कार है, तुम्हें उस चीज़ को लेना देना नहीं होगा, तुम तो बस अपनी लाइफ में इंजॉय करोगे, तुम्हें पता है कि भाई मैं तो कम में भी खुश था, आज मेरे पास भगवान की दया से ज़्यादा आ गया, मैं फिर भी खुश हूँ। तो अपना पैसा बचा के रखो, सेविंग्स करो, यही वीडियो का मकसद है, इसमें कोई भाई कोई लर्निंग वगैरह नहीं है कि मोटिवेशन वगैरह मैं आपको बताऊंगी आप ये मत करो वो मत करो, कुछ चीज़ें थी कुछ डिस्कशन की, क्योंकि दादा क्या है आई फील लाइक यार जो चीज़ मैं सोचता हूँ कि वो आपसे करूँ, क्योंकि आपको भी भाई 10 चीज़ें सीखने को मिलेगी कि हाँ यार पॉइंट तो है लॉजिक में। हम यहाँ पे आप उसकी एक बंदे को मैं बताता हूँ, वो हम जब मैं कहना स्टूडेंट ना उसके पास ही मर्सिडीज E-क्लास, साला तेल डलवाने के लिए ना 100 किलोमीटर दूर जाता था, क्योंकि तेल डलवाने के लिए तो पैसे ही नहीं थे ना, तो वहाँ पे सस्ता मिलता था, तो मतलब यार क्या है यार हद है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना लो, बस EMI दे सकते हैं, बस इतना आप सोचो कि मैं उसकी EMI दे सकते, क्योंकि EMI क्या होता है ना, अगर 70 लाख की गाड़ी है वो डिवाइड करके 40-50 हज़ार बनती है या 25-30 हज़ार, तो आपको लगता है मेरी 2 लाख की सैलरी मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, भाई 2 लाख की भी सैलरी है ना 3 साल के अंदर जाके 60 लाख बनेगा, तो 70 लाख की गाड़ी फिर भी तुम्हारी पूरी कैश पे नहीं ले पाओगे 3 साल के बाद, तुम्हें ये होता है कि EMI पे करो, क्यों भाई EMI पे करनी इतनी, क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज़ अगर आप करना है
ठीक है कभी इमरजेंसी में यूज कर लिया ओके, बट अगर आप ये आईफोन की ई एम आई बना रहे हो ठीक है, कपड़े ले रहे हो, आपको पता है ना कि मैं मॉल में गया 2500 के कपड़े ले लिए, बाद में भाई पे कर रहे हो, बाद में इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं आधे लोग, तो ये चीज़ गलत है। थोड़ा सा समझदारी के साथ पैसा लगाओ, कम पैसे में खुश रहना सीखो। अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जॉब है, आपको दिल्ली या मुंबई या ऐसे गुड़गांव में रहना पड़ता है, स्टिल आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो, अपने भाई कम चीज़ों में भी खुश रहा जा सकता है। विद द टाइम आप इनकम बढ़ती जाएगी, फिर आप अपने खर्चे बढ़ा लेना। अभी आपकी इनकम कम है, 1,00,000 रुपये होता भी क्या है ना मंथली इनकम के हिसाब से, वो 1,00,000 रुपये मंथली इनकम है ना, उसमें भी भाई खर्चे निकाल के पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेंट भी देना पड़ेगा, रहना भी होगा, कभी वीकेंड पर खा पी भी लोगे, तो क्यों भाई खर्चे बढ़ा रहे हो, कंजूसी के साथ ही जी लो 2-4 साल, उसके बाद ठीक है फिर अपने आप लाइफ को देख लेना। और दूसरी बात, एक चीज़ मैंने और देखी भाई, इंडिया में भाई लोग कॉफ़ी बड़ी पीते हैं ना, मेरे को ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है, बट मैं आपको बताता हूँ है ना, हम भी जाते हैं यार, हमारे दोस्त हैं भाई कैपेचिनो वगैरह पी रहे हैं, साला इतनी कौड़ी लगती है कॉफ़ी, तुम इतनी गर्मी है समर की, तुम्हें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो, पर भाई चाय बड़ा है पीने का, क्यों, क्योंकि भाई पहले कभी पी नहीं है तो बड़ा, तो कभी कभार ठीक है ओके पी लो, बट रेगुलर पी रहे हो तो भाई उसकी आपकी कॉस्ट बहुत हाई जाएगी। थोड़ा सा अपनी सेविंग्स कर लो, आप उस चीज़ को इन्वेस्ट करो, अपने बिजनेस में करो या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर आपको लगता है 3 साल के बाद मेरे पास 40,00,000 हो जाएगा, उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, जहाँ से मेरे को एक रिटर्न निकलता जाएगा, फिर उस रिटर्न से कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च करते जाओ। ये ऐसे ही भाई ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं, हम भी सीखते हैं। हमने भी ये नोटिस किया कि भाई कम से कम चीज़ों में खुश रहो, तो ये वीडियो थी कि भाई उनका तो लंका लग गई दोनों की, वो कनाडा वाले की तो ज़्यादा लगी हुई है, उसका तो मैं कहूँगा हाल बुरा है, क्योंकि भाई खुश होकर देखो पल सेविंग्स नहीं, 5 रुपये नहीं सेविंग नहीं हुई, $1,800 कौन पड़ता है भाई इतनी ईएमआई, क्यों भाई डॉज चैलेंजर लेनी है, क्यों भाई पता नहीं है, क्यों इतनी महंगी महंगी कार लेनी है। इंडिया वाले का चलो उसका तो कोई नहीं, उसकी फैमिली सर्वाइव करवा देगी उसको, आए ना तो कर ना, बट बाहर वाले का तो भाई लग गए $25,000-30,000। अगर मैं तुम्हें कहूँ, मैं तो $25,000 दूँ भाई, हाँ यार बड़ी अमाउंट है, कितना बन गया 12-14 लाख 15 लाख बन गया, अच्छा अच्छी अमाउंट है ठीक है, बट उड़ गई, अभी बैठे रहो, अभी देखो वो गलती अपनी सीखो। कम फोन में भाई 10-15 हज़ार के फ़ोन में भी खुश रहना सीख जाओ, और अकाउंट में पैसा चाहे तो मेरे 1 करोड़ रुपये पड़ा हो, फिर तुम कहोगे कि यहाँ साला मज़ा आ रहा है, ये देखने का अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, किसी के कहने से आईफोन ही बाई किया, अपनी मर्जी से किया, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मैं ले लूँ ठीक है यार, चलो थोड़ी अच्छी फोटोज वीडियोस आ जाती है, थोड़ा अच्छा सिंपल लगता है देखने में, दैट्स ओके। तो बाकी यही वीडियो है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं इस टाइप की वीडियो थोड़ी बनाऊंगा, रेगुलर ई कॉमर्स के ही बनाएंगे, थोड़े इंटरव्यू लेंगे लोगों के भाई जो अच्छा ई कॉमर्स का मैं कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, उससे मेरे को भी सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे बंदा कैसे कैसे फील्ड में कर रहा है, और कैसे आप भी कर सकते हो। बाकी सही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।